हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक के मेटावर्स के बारे में और भी सारी जो न्यूज़ आई हुई कार्डानो पे बेस्ड, कजाकिस्तान को लेकर, यूबीसॉफ्ट को लेकर और बिटकॉइन, यानी इसे जो एप्पल के को फाउंडर हैं स्टीव वॉजनियाक, उन्होंने क्या बोला है बिटकॉइन को लेकर। तो सबसे पहले तो फेसबुक गोज ऑल इन ऑन मेटावर्स विद न्यू कंपनी नेम्ड मेटा एनएफटी पुश। तो आपको इसका मतलब बता देते हैं, आखिर डिसेंटरलैंड, मैना, सैंडबॉक्स टोकन, ये सब टोकन क्यों आज ऊपर उठे हुए थे, एक्स इन्फिनिटी, स्टार एटलस, ये सब कॉइन्स क्यों ऊपर उठे हुए हैं एनएफटी रिलेटेड और गेमिंग टोकन जितने हैं। बेसिकली इनके पीछे का एक रीज़न है और वो रीज़न क्या है उसको बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। वहाँ पर मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन्स डिस्कस करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करता हूँ, पूरा लेटर लिखता हूँ, देखिए कितना बड़ा लिखा है, जिसमें मैं आपको समझाता हूँ कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई चीज़ बढ़ती है क्यों बढ़ती है, क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, कौन सी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये सब चीज़ें मैं वहाँ पर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। अब बात करते हैं पहली चीज़ को लेकर, फेसबुक गोज ऑल इन ऑन मेटावर्स। मेटावर्स समझे, सबसे पहले समझा देते हैं। मुझे लगता है कि मेरी जो ऑडियंस, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं इतने प्यारे और इतने नॉलेजेबल हैं, स्मार्ट हैं कि उनको ये चीज़ मालूम होगी अगर वो शुरुआत से होंगे चैनल पर। जो लोग नए हैं सिर्फ उनको मैं समझाने के लिए ये चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं बहुत पहले माना, सैंडबॉक्स और इन सब के बारे में बता चुका हूँ, जो एक वर्चुअल वर्ल्ड यानी वर्चुअल दुनिया को क्रिएट करे। वर्चुअल दुनिया यानी डिजिटल दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो आपके पेन ड्राइव में रहेगी या आपके ऑनलाइन इंटरनेट पे स्टोर रहेगी। इस दुनिया में क्या होगा कि लैंड होगा यानी कि ज़मीन होगी, और उसमें जो ज़मीन ज़्यादा खरीदेगा वो सबसे ज़्यादा रियल इस्टेट ओन करेगा। तो उसमें ज़मीन भी बिकती है, उसमें घर भी बिकेंगे, उसमें एड्रेस भी बिकेंगे, उसमें आपके सामान बिकेंगे, उसमें आप पेंटिंग्स बिकेंगी, उसमें सॉन्ग्स बिकेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो वर्चुअल दुनिया में होंगे। तो इस वर्चुअल दुनिया में जो अमीर हो गया, सोच आगे वाले दुनिया के लिए वो अमीर हो जाएगा, ठीक। तो वही आगे जो कंपनी उसमें वर्क करेगी उसका बहुत बड़ा मुनाफा होगा, और वो फ्यूचर है, एक तरह से नेक्स्ट फ्यूचर में हम घुस रहे हैं, एक तरह से हम एंटर कर रहे हैं। तो फेसबुक ने उसका पहला कदम कर लिया, ये बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अब एंटर कर रही है, ठीक। और फेसबुक जैसी कंपनी ऐसा बोल दिया तो अब गूगल की भी दूर नहीं है बारी, अमेज़ॉन की दूरी दूर नहीं है, ना ही टेस्ला की दूरी है। अब ये सब कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लेके आएंगे, बात ही मेरी बात है ये लिखित में ले लो, ठीक। ये सब को जितनी हैं, गूगल है, चाहे आप ले लो अमेज़ॉन ले लो, ये सब एंटर करने वाले हैं एनएफटी मेनिया में, क्योंकि एनएफटी को एक ऐसी चीज़ है जो जितनी देर करेगा वो उतना ज़्यादा पीछे रह जाएगा अगले आने वाले रेवोल्यूशन से। तो फेसबुक ने मेटावर्स निकाला। मेटावर्स का मतलब क्या है, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया, पेरेंट कंपनी का नाम बदला है, फेसबुक का नाम नहीं बदला है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये तीनों वैसे ही रहेंगे। ऑल्दो आपको पता होगा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन तीनों ने कंबाइन करके आधी दुनिया लगभग जो यूज़र हैं इनके पास हैं, फेसबुक के जो मालिक हैं सीईओ मार्क ज़करबर्ग। तो इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने उन्होंने मेटा ला के रख दिया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक। इतनी बड़ी ऑडियंस को मेटा जब पता चलेगा, मेटावर्स बनाने के लिए वो नेक्स्ट जो है स्टेज में जा रहे हैं, जिसमें कंपनी का नाम मेटा हो जाएगा, और मेटा कंपनी में फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, व्हाट्सएप आता है। अब मेटा में वो वर्चुअल दुनिया में एनएफटीज लाने वाले हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे। ये मेटा की जो है ट्विटर अनाउंसमेंट थी, 3D दुनिया होगी जिसमें आप लोगों से गेम खेलेंगे, चाहे आपको एनएफटीज मिले, चाहे आपको चीज़ें मिले, तो वो एक जो है अगला पुश होगा। तो एनएफटी को इससे पुश मिला था, और जैसे ही ये खबर आई थी सबको पता था कि मेटावर्स के लेकर, मेटा का मतलब मेटावर्स है, और मेटावर्स पे एक ही जो कॉइन है जो सबसे बड़ा क्रिप्टो की दुनिया में, वो है माना, माना यानी डिसेंट्रलाइज्ड। तो उसमें तुरंत पैसा फ्लो करना शुरू हुआ। आपको पता होगा आज भी जाके आप बाइनेंस के जो है टॉप वॉल्यूम में देख लो तो माना में 5 बिलियन का वॉल्यूम आया था, बहुत तेज़ी से वॉल्यूम आया था, और इतना वॉल्यूम काफ़ी है पुश करने के लिए। वहीं सेकंड थर्ड नंबर पे सैंड टोकन चल रहा था, क्योंकि वो भी एक वर्चुअल दुनिया पे वर्क कर रहा था। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा नाम आता है माना का, जिसमें आप घर बना सकते हो, जिसमें आप लैंड ले सकते हो। तो इसीलिए माना के बारे में मैंने आपको आज नहीं, कल नहीं, पिछले 2 या 3 महीने या 4 महीने पहले ही बता दिया था, जब आप लोग, जब मैंने स्टार्टिंग की थी उस समय चैनल में ही समझा रहा था माना के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, कार्डानो बेस्ड डीफाई प्रोटोकॉल अडाना रेजेस 10 मिलियन फ्रॉम 3 एरोस कैपिटल एंड अदर्स। तो ये मैंने न्यूज़ आपको कवर कर ली थी कि डीफाई रिलेटेड कार्डानो पे एक स्टार्टिंग हो रही है, और उस पर आपको यहाँ पर $10 मिलियन की फंडिंग उनको मिली है 3 एरोस कैपिटल से। तो ये एक बड़ी खबर है हमारे लिए। और हाइव ब्लॉकचेन सिक्योर्स ऑर्डर फॉर 6500 नेक्स्ट जनरेशन बिटकॉइन माइनर्स फ्रॉम कनान से ऑर्डर मिले हैं, और 6500 बिटकॉइन माइनर्स बनाए जाएंगे।
तो ये एक ग्रोथ बताता है कि कैसे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं बिटकॉइन माइनिंग को लेकर। कजाकिस्तान एक्सपेक्ट एटलीस्ट $1.5 बिलियन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम क्रिप्टो माइनिंग विद इन 5 ईयर। 5 साल में $1.5 बिलियन का मार्केट क्रिएट करना चाहता है कजाकिस्तान, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इंडिया में भी मैं चाहता हूँ बिटकॉइन माइनिंग आए और गवर्नमेंट एज अ लोगों के लिए माइन करे, ताकि लोगों के टैक्स कम देना पड़े और गवर्नमेंट का रेवेन्यू इस तरह से जनरेट हो। मेजर PTC माइनर्स एंड वेल्स कंटिन्यू टू अमास देयर होल्डिंग। डाटा ने शो किया है कि जो मेजर बिटकॉइन होल्डर्स हैं ग्लासनोड से, वो अपने बिटकॉइन को अक्यूमुलेट कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी होडल वेव आने वाली है और उसमें सभी साफ हो जाएंगे। मतलब यूबीसॉफ्ट विल सीक टू इन्वेस्ट इन एंड क्रिएट ब्लॉकचेन गेम। ये फेसबुक वाली न्यूज़ के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं मानता हूँ कि यूबीसॉफ्ट, आप लोगों को पता है कौन सा गेम है, ठीक। बेसिकली द फर्म इज़ बैकिंग एनिमोका ब्रांड्स क्रिएटर ऑफ पॉपुलर मेटावर्स गेम द सैंडबॉक्स। मतलब यूबीसॉफ्ट हमारी रियल दुनिया का गेम था जो गेम बनाती है कंपनी, उस कंपनी ने बैक किया यानी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है द सैंडबॉक्स में। इससे बड़ा आप क्या लोगे, इससे बड़ा क्या न्यूज़ लोगे। यूबीसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी, आपको पता है यूबीसॉफ्ट ने क्या क्या बनाया। आई थिंक असैसिन्स क्रीड बनाया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो असैसिन्स क्रीड उन्होंने बनाया, जो कि बहुत फेमस गेम है, हमारा सभी ने खेला होगा। एंड द सैंडबॉक्स जो है उसको बैक कर रहा है यूबीसॉफ्ट। ये एक बहुत बुलिश न्यूज़ है, ठीक। और ये सैंडबॉक्स को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ है, मैंने आपको पहले भी सैंडबॉक्स पहले बताया, आज ये न्यूज़ तो मैं भी चौंक गया क्योंकि मैंने अभी जैसे आर्टिकल पढ़ा गौर से देखा कि सैंडबॉक्स को भी फंड कर रहा है, तो ये एक बड़ी बात है गाइस, ठीक। एक तरह से आप देखो यहाँ पर द फैक्ट दैट असैसिन्स क्रीड वल्हला हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट प्रॉफिटेबल गेम इन द कंपनीज हिस्ट्री। तो यहाँ पर आप देखोगे यूबीसॉफ्ट वर्चुअल दुनिया में एंट्री कर रहा है और ये ब्लॉकचेन गेम्स बनाने वाला है जल्दी। बिटकॉइन इज़ मैथमेटिकली प्योरिटी और सेज एप्पल को फाउंडर स्टीव वॉजनियाक ने कहा है कि जो प्रोग्राम है बिटकॉइन के पीछे वो एकदम प्योर है, मैथमेटिकली बैक्ड है और मैथमेटिक्स से ही दुनिया चलती है, तो बात आपको मालूम होगा। अंत में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्यों एटम के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया था। मैं बहुत सारी एटम की बातें कर रहा हूँ बट बहुत से भाई कह रहे होंगे यार उठ तो रहा नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ है 223 मिलियन की सप्लाई है। दूसरी चीज़ मुझे एटम में आपको ये बताना है, ये बैठा है 25वें नंबर पर जिसकी मार्केट कैप है $8 बिलियन, ठीक। और एटम के जैसे ही जो इंटरऑपरेबिलिटी पे वर्क कर रहा है वो है पोल्काडॉट, ठीक। और पोल्काडॉट कहाँ है, 8वें नंबर पर जिसकी टोटल मार्केट कैप है $41 बिलियन। तो अगर पोल्काडॉट से जो है एटम जो है वो ज़्यादा ही तेज़ काम कर रहा है, ठीक। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा पोल्काडॉट धीमे है, कॉस्मोस पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो अगर पोल्काडॉट से कंपैरिजन में आप एग्जैक्टली ना लो तो यहाँ से कम 10-15 बिलियन का जो मार्केट कैप है यहाँ से एटम का बनता है, यानी कि यहाँ से डबल जितना है, और डबल क्या, यहाँ से ट्रिपल भी बनता है कि कम से कम 30 बिलियन का मार्केट कैप तो एटम डिजर्व करता ही है। ऊपर टॉप 15 टॉप 10 में जाना तो डिजर्व करता ही है, ठीक। टॉप 15 में, टॉप 25 में अभी है तो एटम 215 में टॉप 15 में जाना डिजर्व करता है। इसी वजह से इसका यहाँ से आपको आराम से यहाँ से कितना देखने को मिला है, 32 बिलियन भी बहुत है, 4x आपको एटम में देखने को मिलना चाहिए। 4x यानी $120-$150 भी आराम से देखने को मिलेगा इन अ लॉन्ग टर्म, इसलिए मैं एटम के ऊपर लेकर बुलिश हूँ। ये अगर पोल्काडॉट से कंपेयर पे खराब नहीं तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा ही कहेंगे इसको, ठीक है। तो इसीलिए एटम को लेकर मैं काफ़ी बुलिश हूँ चैनल पर, और आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, होल्ड करना है। रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, पहले के भी और अभी आने वाले टाइम में भी देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।